हेलो एवरीवन, अभी तक हमने कल क्या जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसके अंतर्गत ये कला के तत्व और कला के सिद्धांत है इसके बारे में चर्चा की थी, और इसमें से हमने जो ये रंग बिंदु है इसके ऊपर चर्चा नहीं की, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि ये इसके ऊपर चर्चा है वो हम अलग से सेकेंड वीडियो के अंदर रखेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो इस कला के तत्व में रंग वाला बिंदु रहेगा। तो ये आज अपन खाली रंग के ऊपर चर्चा करेंगे कि रंग क्या है और किस तरीके से ये हमारी कला की सुंदरता को बढ़ाता है और किस तरीके से ये इसका जो इफेक्ट है हमारे जीवन के अंदर पड़ता है। तो आज इस कला के तत्व में हम रंग बिंदु लेंगे। ये रंग का सिद्धांत किसने दिया है सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। तो हमारे जो प्रांग महोदय है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या दिया है, ये रंग का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने रंग के सिद्धांत के अंतर्गत रंगों को कैटेगरी वाइज बांटा है। तो वो कैटेगरी वाइज सबसे पहले हम कहें कि रंग का नाम क्या है, तो इनके बिंदु तीन रखे हैं उन्होंने। ये तीन बिंदु माने जाते हैं रंग होता क्या है, रंग को हम क्या कहते हैं, तो रंग को हम यू कहते हैं। ये पूछा जाता है कि इसमें जैसे नाम दे दिए जाएंगे लाल पीला हरा नीला, इसमें यू कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाता है, या इनको रंगों के नाम को क्या कहा जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इन्होंने तीन तत्व दिए हैं। तीसरा एक मूल्य दिया है, यू दिया है, मूल्य दिया है, और तीसरा आपका क्या बोला जाता है, क्रोमा बोला जाता है। ये तीनों क्या है, ये रंग के तत्व कहलाते हैं कि रंग के तत्व क्या है। तो ये आपके पहला आपका यू है, दूसरा आपका मूल्य है, और तीसरा आपका क्रोमा है। तो मूल्य क्या है, मूल्य गहरापन ये रंग का नाम कहलाएगा, रंग का नाम कहलाएगा। मूल्य का मतलब होता है गहरापन या हल्कापन, हल्कापन ये मूल्य कहलाता है। और तीसरा हमारा क्रोमा है, ये मतलब कितना ब्राइट है, चमकीला या डलनेस, तो चमकीला या चमकहीन, चमकीला यानी ब्राइटनेस या चमकहीन या डलनेस। तो क्रोमा किसको कहा जाता है, चमकहीन या ब्राइटनेस जो भी कलर के अंदर होती है। जैसे रेड कलर है, एक तो रेड कलर बहुत चमकीला होता है, और एक जैसे खोरिए का कलर होता है जिसके अंदर चमक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये रंग का कैटेगरी है वो तीन के अंदर डिवाइड की है। पहला हमारा क्या कहलाता है, यू कहलाता है, दूसरा हमारा मूल्य कहलाता है, तीसरा हमारा क्रोमा कहलाता है। तो ये तीनों चीजें पूछ के आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर हम रंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रंग के अगर प्रकार देखें तो रंग को प्रांग ने अपना एक व्हील दिया है, इनका कहा जाता है कि रंग चक्र। रंग चक्र जो बताया गया है इसको इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक में तो इन्होंने गर्म रंग बताए हैं, गर्म रंग बताए हैं, दूसरे में इन्होंने ठंडे रंग बताए हैं, ठंडे रंग। एक गर्म रंग कहलाएंगे और एक आपके ठंडे रंग कहलाएंगे। अब ये गर्म रंग कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन से होते हैं, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो जो गर्म रंग है वो कौन से होते हैं, गर्म रंग का मतलब होता है जो आग से संबंधित होता है, आग का जैसा कलर होता है ना, वो सब हमारे गर्म कलर में आते हैं। सबसे पहले इसमें लाल रंग आता है, लाल रंग आता है, फिर आपका आता है आपका नारंगी, नारंगी आता है, पीला आता है, और इसके जितने भी आपके वो इनसे मिले हुए हल्के डार्क है वो सारे कलर क्या आते हैं, आपके इसके अंतर्गत आते हैं गर्म रंग में। ठंडे रंग में आता है आपका हरा रंग आता है, और आपका नीला रंग आता है, और जैसे बैंगनी भी इसी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो ये आपके ठंडे रंग के अंतर्गत आते हैं। इस पूरे व्हील चक्र के अंतर्गत 12 रंग इन्होंने
12 रंगों की धारणा की है, जिसमें से हम अलग अलग कैटेगरी वाइज है वो निर्धारित करते हैं। अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पूछा गया है, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर तीन जो मुख्य रंग होते हैं, जैसे पहला रंग क्या है आपका लाल रंग है, यहाँ पे यहाँ आपका पीला रंग है और यहाँ आपका नीला रंग है। ये तीन रंग क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आया था अभी वो इसी के ऊपर ही आया था कि इसमें से प्राथमिक रंग कौन से हैं। इन तीनों रंग के साथ हमारा जो एक ऑप्शन था वो था आपका हरा रंग, लाल पीला नीला और हरा। तो इसमें से पूछा गया था कि प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, तो आपका ये हरा रंग है। ये क्या था आपका प्राथमिक रंग, इसमें से नहीं था, क्योंकि हरा रंग कौन सा होता है? सेकेंडरी प्रकार का कलर, द्वितीय प्रकार का कलर है वो आपका ये कहलाता है। इनको हम इस तरीके से लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट प्रकार का कलर है और इन सबको अपन आपस में मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका सेकेंड प्रकार का कलर है मिलेगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका ये अलग कलर बनेगा और इस इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका एक कलर इस तरीके से बनेगा। लाल और पीला को जब मिक्स करते हैं तो कौन सा बनता है? नारंगी बनता है, नारंगी बनता है। पीला और नीला जब मिक्स करते हैं तो आपका कौन सा बनता है? हरा बनता है। और लाल और नीला मिला के बनाएंगे तो आपका कौन सा रंग मिलेगा? आपका बैंगनी रंग बनेगा। तो इस तरीके से आपका ये एक दूसरा क्वेश्चन है वो आपका और बनता है कि द्वितीयक प्रकार के रंग कौन से हैं? लाल बैंग नारंगी बैंगनी और हरा, ये आपके सेकेंडरी कलर है। तो जो फर्स्ट प्रकार के कलर है उनको जब बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो आपका द्वितीयक प्रकार का रंग तैयार होता है। जब द्वितीयक प्रकार के रंगों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो आपका तीसरा प्रकार का कलर तैयार होता है। और एक आपका फर्स्ट प्रकार का कलर, एक आपका सेकंड प्रकार का कलर मिलके आपके मध्यम कलर या मध्यस्थ कलर है वो आपके तैयार होते हैं। फिर आपके दो आपके तृतीयक प्रकार के कलर मिलाकर हम चौथे प्रकार के रंग हैं वो आपके तैयार होते हैं। इस तरीके से आपने ये चार तरीके के कलर योजना है वो इन्होंने बताई है। तो यही सर्कल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चार तरीके के कलर के अंदर आपके 12 कलर है वो तैयार हो जाते हैं। इन 12 कलर के सर्कल के अंदर आधे कलर है वो आपके गर्म रंग में आते हैं और आधे कलर है वो आपके ठंडे रंग में आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो गर्म रंग होते हैं ये सारे क्या है, सूर्य की रोशनी से मिलते जुलते होते हैं, और जो आपके ठंडे रंग होते हैं ये आपकी प्रकृति यानी आपका जमीन, घास और आपके आसमान से संबंधित कलर है वो आपके तैयार होते हैं। इसमें प्राथमिक रंग पूछा जा सकता है, आपका द्वितीयक रंग पूछा जा सकता है, या आपके मध्यस्थ रंग है वो पूछा जा सकता है। एक आपका जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है टिंट या शेड क्या है, ये पूछा जाता है। किसी भी रंग में जब सफेद रंग मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसका टिंट कहलाता है। और किसी भी रंग के अंदर जब काला रंग बनाया मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसका शेड कहलाता है। जैसे लाल रंग के अंदर हम जैसे जैसे सफेद रंग को मिक्स करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा? टिंट कहलाएगा। और काला रंग हम बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका शेड कहलाएगा। जैसे लाल रंग में काला मिलाएंगे तो वो डार्क 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 होता जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के ऊपर आपका क्वेश्चन और पूछा जा सकता है।